Hey guys, it's Kritleen. Welcome back to the vlogs. So guys, आज मैं react करने वाली हूँ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के एक सहाबा के एपिसोड पे. Do check out the original link, ये तो हमारे इंस्टा हैंडल्स हैं, to follow us. Let's go. ما رأيت كل يوم رجلا قتلت أخاه يشهد لي شهادة تنجيني مثل هذا أسلم الناس सहाबा जंगे कादसिया के अंदर एक ऐसा मौका आ गया था कि किला फतह नहीं हो रहा था पर्शियन एम्पायर. मुसलमानों ने बड़ी कोशिश करी. हजरत अनस इब्ने मालिक के भाई थे. ये वही भाई थे जिनके बारे में नबी इस्लाम फरमाया था कि बास अल्लाह के बंदे ऐसे हैं कि अल्लाह पे कसम खा लेना अल्लाह की कसम पूरी कर. वो यही थे ना. इनके किसी इनकी बीवी ने किसी को मुक्का मारा उसके दांत टूट गए. वो औरत शिकायत लेके आई तो कुरान में क्या है सूरह अल फायदा के दांत के बदले दांत काम के बदले काम नाक के बदले नाक. तो उसने कहा मैं तो बदला लूंगी जितने दांत मेरे टूटे हैं. तो ये सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए. हुजूर ने फरमाया कि तेरी बीवी के तो अब दांत तोड़ने पड़ेंगे इनके साथ से. तो इनकी जुबान से लिखा अल्लाह की कसम मेरी बीवी के दांत नहीं टूटे. ये बात की तो थोड़ी देर बाद वो औरत आई उसने कहा कि मैंने माफ़ किया. अल्लाह के पास बंदे ऐसे हैं कि किसी मामले में कसम उठा देना जाने में अल्लाह उनकी बात पूरी कर देता है. उनको भी नहीं पता था. ब्यूटीफुल. ये जो कहते हैं हमारे बुजुर्ग बुजुर्गों आधी रवायत सुनाते हैं ये पूरी रवायत इस तरह. इनके बारे में हदीस थी तो साहबा ने तुस्तर वो जगह थी पर्शियन एम्पायर आज भी है ईरान के अंदर तुस्तर शहर है. तो साहबा ने आके रिक्वेस्ट की इस सुरु कुबरा बैहक़ी के अंदर भी आपको मिल जाएगा और दलाइलो नबुआ इमाम बैहक़ी की किताब के अंदर भी मिल जाएगा. ये सही सनद के साथ ये वो करामते नहीं है जो आपके बुजुर्ग सुना रहे होते हैं. ये सही सनद वाली करामते हैं. तो साहबा ने इनको आके रिक्वेस्ट की कि हज़रत आपके बारे में तो है तो आप अल्लाह पे कसम खाएं. वो पहले तो हादसाती मामला बहुत था ना. अब ये तो कन्फर्म नहीं है लेकिन वो ये चाहते थे कि अगर इस कसम के बाद बाकी मुसलमानों को फतह होती है तो उसके बाद फिर मुझे जिंदा रहने का जवाब नहीं है. वो तो फिर ज़ाहिर लोग चूमा चट्टी शुरू कर देंगे. उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह की कसम उठाता हूँ हमें फतह मिलेगी और अल्लाह की कसम मैं अल्लाह के नाम शहीद भी हूँ अपनी शहादत भी मेरी मांग. बस कसम खानी थी तो अल्लाह फतह दे दी मुसलमानों को. वो किला जो इतने दिनों से पता नहीं होता फौरन पता हो गया और उसमें ये शहीद भी. अच्छा और इसको जिस कमांडर ने शहीद किया था ना पर्शियन एम्पायर उसको मुसलमानों ने गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार करके ये वाला सीन जो है उमर सीरीज में भी उन्होंने फिल्माया है. हजरत उमर के सामने लाकर पेश किया कि अनस इब्ने मालिक के भाई का ये कातिल और सर अनस इब्ने मालिक भी वहीं बैठे हाय हाय हाय. तो मैंने कहा टांगो इसको कतल करो कतल के बदले कतल. तो कांपना शुरू हो गया. तो उसने कहा कि ऐ मुसलमानों के खलीफा मुझे पानी मिल सकता है. तो कहा पानी मिल जाएगा. मौत के वक्त तो ख्वाहिश पूरी की जाएगी. वो पानी का प्याला लाया गया ना तो वो कांपना शुरू हो गया. तो हज़रत मैंने कहा पीता क्यों नहीं है. उन्होंने कहा कि आप मुझे फिर गारंटी दें कि जब तक ये मैं पानी नहीं पीऊँगा ना उस वक्त तक मुझे गारंटी है कि आप मुझे कतल नहीं करेंगे. कहा मैं गारंटी जब तक ये तू पानी ना पीता तुझे कतल नहीं. उसने वो प्याला वहीं पे उलट दिया. ये क्या किया तुमने. उनका मैंने पानी तो पीना ही नहीं था. आपने इतने लोगों के सामने ये बात की है कि ये पानी पीऊंगा तो ये पानी तो गिर गया आप मुझे खत्म नहीं करवा सकते. उनका तुमने मेरे साथ धोखा किया है इसको पकड़ के हजरत अनस इब्ने मालिक वहां खड़ा उनका मीर मौत नहीं किस तरह आपने वादा किया भाई का कातिल है लेकिन इस्लाम की जो सच्चाई आप देखें उनका मीर मोमिनीन की आप नहीं खत्म कर सकते. आपने उसको जुबान दी أمنت ويحك يا أنس إنه قاتل أخيك البراء وأصحابه أنا أؤمن قاتل البراء بن مالك ومن جاء شهادة الحق يا أمير المؤمنين
तो मैंने माफ किया, उन्होंने माफ किया, उसने कलमा पढ़ के मुसलमानों और वो कमांड यानी रुस्तम पहलवान के जो साथ दो तीन कमांडर बचे थे, रुस्तम तो खुद मारा गया था ना कासिया, उनमें से एक ये था और उसने इस्लाम कबूल किया। ये इंसाफ का निजाम है, सोच नहीं सकता। फैसिनेटिंग। मैं रही थी रजुल कतलत अखाह यशहद ली शहादत तुशीर मिथल हादा इस्लाम। ऐसा बिहेवियर है जो इस्लाम की तरफ लाया। वॉट अ ब्यूटिफुल वीडियो आई वुड से कि ऐसे प्रिंसिपल्स हैं इस्लाम के कि एक बंदे को आपने अट्रैक्ट कर लिया कि वो इस्लाम कबूल कर गया साथ के साथ। ऐसे प्रिंसिपल्स सुन के मन ऐसे हो जाता है कि ओ माई गॉड, कि ऐसे भी प्रिंसिपल्स हैं दुनिया में, ऐसे भी लोग हैं जो ऐसे प्रिंसिपल्स को मानते हैं और कैसे उन्होंने एक्सेप्ट भी किया इस चीज़ को। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका था उनका ये नरेशन करने का जो पास्ट में हुआ। इट इज़ अ ब्यूटीफुल वीडियो एंड जिस तरीके से उन्होंने समझाया है बहुत डिफरेंट तरीका है, बहुत रिलेटेबल तरीका है। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल वीडियो आई वुड से एंड एवरीवन शुड वॉच इट। दिस इज सिद्धू व्लॉग साइनिंग ऑफ। आई लव यू गाइस।